हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स किचन। शुरू करते हैं हम खमन ढोकला का प्रीमिक्स बनाना। ये प्रीमिक्स हम सीधे मिक्सी बाउल में ही बनाएंगे, तो उसमें हम लेंगे 2 कप चना का आटा। ये मैंने बाहर का रेडीमेड बेसन नहीं लिया है, पर घर पे ही जो चना दाल आती है उसका मैंने आटा लिया है। उसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून शुगर। तो अगर आप परफेक्ट माप से ये खमन ढोकला बनाएंगे तो आपके खमन ढोकला बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेज़रमेंट को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रहे कि मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट ही हो। तो 6 टेबलस्पून इसमें मैंने शुगर डाली है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नींबू के फूल या फिर साइट्रिक एसिड। 2 टीस्पून नमक डालेंगे। पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे और पिंच हींग डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्रश करना है जब तक शुगर एंड साइट्रिक एसिड प्रॉपरली क्रश ना हो जाए। तो 3 से 4 बार हम इसे चर्न करेंगे। तो ये हमारा खमन ढोकला का प्रीमिक्स रेडी है। इसे आप ऐसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 महीने तक स्टोर कर सकते हो। अब हम इस खमन ढोकला का प्रीमिक्स है उसका यूज़ करके खमन बनाएंगे। तो पहले हमें सारा प्रीमिक्स ऐसे कोई भी एक बर्तन में निकाल देना है। ये मैंने 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक बैटर बनाएंगे। तो ये हमारा बैटर रेडी है, आप देख सकते हो। अभी मैंने थोड़ा ठीक ही रखा है, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर हम पानी डालेंगे। तो अभी बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखनी है। तो 1 कप में से इतना पानी बच गया था। इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 15 मिनट के बाद हमारा बैटर कुछ ऐसा हो गया है, आप देख सकते हो। हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तो ये कोई भी आप ऑर्डरलेस ऑयल ले सकते हो, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। उसकी जगह आप 1 टीस्पून इनो भी डाल सकते हो। बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए मैं उसके ऊपर 1 टीस्पून जितना पानी डालूंगी। अब मेन प्रोसेस आती है। तो पानी डालने के तुरंत बाद हमें इस बैटर को ऐसे अच्छे से 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि उसमें एयर बबल्स आए और वो थोड़ा फूल जाए। वो जितना फूलेगा हमारा खमन ढोकला उतना ही सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। करीब 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा बैटर अच्छे से फूल गया है और उसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम प्रॉपर है। एक थाली को मैंने लिया है, जिसे मैंने तेल से ग्रीस कर दिया था, उसमें हम ये सारा बैटर पॉर कर देंगे। हो सके तो ये प्रोसेस थोड़ी आप जल्दी करें, ताकि हम स्टीमर में इसे रख सकें। स्टीमर मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें पानी बॉईल हो रहा है। तो उसमें हम ये थाली रख देंगे और ढक के 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 12 मिनट के बाद हम देख रहे, तो पहले चेक कर ले कि हमारा ढोकला हुआ है या नहीं। तो ये स्टिक हमारी एकदम क्लीन आती है, तो इसका मतलब है ढोकला अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और ये रूम टेम्परेचर पर आए तब तक हम इसे ठंडा होने देंगे। ये खमन ढोकला ठंडा हो गया है। अब हम एक बाउल में ऐसे पानी लेंगे, उसमें नाइफ को डिप करेंगे और इसमें हम दोनों साइड ऐसे कट दे देंगे। ऐसा करने से इसका जो
बैटर है वो इस पे नाइफ पे इतना चिपकता नहीं है और अच्छे से पीस हो जाते हैं। अब मैं जो ट्रिक आपको बता रही हूँ वो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी, तो उसके ऊपर हम ऐसे थोड़ा कच्चा पानी डाल देंगे, तो करीब 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी हम लेंगे और उसे ऐसे चारों तरफ से डाल देंगे ताकि पानी अंदर तक जाए और ढोकला हमारा, ये जो खमन ढोकला है जिसे हम गुजराती में नाइलॉन खमन भी बोल रहे हैं, तो वो हमारा एकदम सॉफ्ट और अच्छा हो। तो मैंने करीब 4 टेबलस्पून पानी इसमें डाला है। डाला हुआ पानी सब एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद हम इसका वघार करेंगे। वघार के लिए मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें मैं करीब 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालूंगी। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितनी राई और राई को हम गरम होने देंगे। राई गरम हो गई है, अब हम इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा तिल डालेंगे और ग्रीन चिली डालेंगे। मैंने 2 तीखी वाली और 1 मीडियम ग्रीन चिली ली है, तो इसको हम अच्छे से सौते होने देंगे। ग्रीन चिली अच्छे से सौते हो गई है, अब हम इसमें 1/4 कप जितना पानी डालेंगे और इस मिश्रण को हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो तेल और पानी का मिश्रण हमारा अच्छे से उबल गया है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे और ये जो हमने मिश्रण बनाया है उसे हम ऐसे हर एक कट में और ऊपर लगा देंगे। ऊपर से हम थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोकोनट पसंद है तो आप ये डाल सकते हो। और कोरिएंडर लीव से हम इसे गार्निश करेंगे। तो तैयार है आज की हमारी रेसिपी खमन प्रीमिक्स और उसमें से नाइलॉन खमन या फिर खमन ढोकला। एंजॉय।